विषधर का आतंक, डंक से कोहराम, जहरीले जीव की बारिश में बहार, दंश ने लील ली जीवन लीला। बरसात का समय है, ऐसे में जहरीले जीव आतंक बन गए हैं। सांप के काटने से अलग अलग इलाके से बुरी खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला मनिहारी से सामने आया है, जहां बघार पंचायत के वार्ड नंबर 7 में 55 साल के हरि कृष्णा साह की सांप के काटने से मौत हो गई। वहीं बघार पंचायत के मुखिया पिंटू यादव ने बताया कि भैंस का चारा लेकर वो कुट्टी काट रहे थे, तभी एक जहरीले सांप ने डस लिया। जो है हरि कृष्णा साह जी को सांप काट लिया है, तो मैं वहां से तुरंत फौरन जो है कि हम अनुमंडल अस्पताल बोले ले जाने के लिए हम भी पहुंचे, जिसमें कि मिट्ठू भाई जी हमको मिले भी वहां, और जो है वहां से उनका स्थिति बिगड़ते हुए देखकर उसको उनके बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया कटिहार, जो कि उनकी मृत्यु 1:45 में मृत्यु हो गई। वहीं सांप काटने के बाद तुरंत हरि कृष्णा साह को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए कटिहार रेफर कर दिया गया। हालांकि इस दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना हुआ था कि यही 7:30 बजे कुट्टी काट रहे थे, सांप ने आके डस लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाते हुए बाहर निकला तो हम लोग आए, देखे कि चिल्ला रहा था, तो हम लोग आके पैर में देखे तो ब्लड निकल रहा था, तो तुरंत गाड़ी बुलाए और उसको सदर अस्पताल मनिहारी भेजे अनुमंडल। क्या हुआ फिर, डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर रेफर लिख दिया कटिहार। कटिहार चले गए, वहां पर जाके मृत्यु हो गए। वही निधन के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल बारिश का समय है, ऐसे में जहरीले जीव पानी के कारण रिहायशी इलाके में अपना बसेरा बनाए हुए हैं और इंसान उनका शिकार बन जा रहे हैं। उधर स्थानीय मुखिया पिंटू यादव ने मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया है। ताजिम हुसैन, मनिहारी।